दोस्तों, मक्का मदीना पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा और पाक तीर्थस्थल है। मक्का में स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा करने को हर मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। यही वो स्थल है जहां पर हज यात्रा संपन्न होती है। दुनिया के कोने कोने से हर मुस्लिम इस पाक तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी कोने में नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही ये मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहां तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं है। मक्का मदीना में शिवलिंग को पत्थर क्यों मारते हैं? अगर आप सच्चे हिंदू हैं और मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म से भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य में शिवजी को कैद किया गया है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ भाई, उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर ले आएगा। ऐसा नहीं है। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाइए, भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि वहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी और हो, वो मुस्लिम नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और जो दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहां सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे एक तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है, कोई आपकी इज्जत ना करे तो आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए। एक महिला ने आलिम से सवाल किया, आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जब आप लोग साल में एक बार हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो वहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? महिला का सवाल होता है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, फिर मक्का मदीना में जाने की हिंदुओं को इजाजत क्यों नहीं है? इस सवाल के जवाब पर आलिम ने बताया कि जिस तरह से हम भारत के नागरिक होने के बाद भी कुछ भारत के हिस्सों में नहीं जा सकते हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहां सेना की छावनी होती है और जहां सेना का राज होता है, ऐसी जगह पर केवल वतन पर जान लुटाने वाले ही जा सकते हैं, जैसे सेना में भर्ती हुए जवान। ठीक उसी तरह से मक्का और मदीना भी है जिसे इस्लाम की छावनी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर केवल वही जा सकता है जो इस्लाम पर अपनी जान लुटा सकता है, इसीलिए मक्का मदीना में केवल मुसलमानों को जाने की इजाजत है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल ज्ञानी फाइट को भी फॉलो करें।